साई प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, अपने साथ परिवारजनों को रखें सुरक्षित। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में लगवाई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कहा कोरोना से मुक्ति के लिए सभी योग्य करवाएं वैक्सीनेशन। मनाली ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने कोविड 19 कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के समस्त मंदिरा व्यवस्थाओं के साथ जिलाधिकारी की बैठक, कहा शासनादेश का कड़ाई के साथ करें पालन। मनाली ने आम जनमानस से की अपील, कहा कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से की अपील, कहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ करें पालन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सक्सेसफुल संपन्न कराने के लिए 6 से 11 अप्रैल तक चलेगा प्रशिक्षण कार्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का खलल डालने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन 4000 व्यक्तियों को जांच कराने का दिया निर्देश। ईडीएमएफआर ने दी जानकारी, कहा जनपद के सभी तहसीलों में प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली हानि का एक दिन के भीतर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। टॉप 10 सूची में शामिल रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सीटर को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कोरोना से मुक्ति के लिए 45 वर्ष के ऊपर व्यक्ति करवा रहे हैं टीकाकरण। 3 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई महर्षि कश्यप एवं निषाद राजगुहा की जयंती। चुनाव को सफल संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों ने ड्यूटी पास के लिए किया आवेदन। और गुआक्टा के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर कहा आगामी 7 अप्रैल को महाविद्यालयों के सभी शिक्षक रहेंगे सामूहिक।